अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाजिया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक हो रही है, बड़ों में ही नहीं आजकल बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है। और बच्चे जो है घंटों घंटों सोचते रहते हैं और स्टडीज़ में भी घंटों घंटों बैठे होते हैं और उनको याद नहीं हो पाता है। आज मैं इस वीडियो में ये सारी बातें करूंगी और बताऊंगी आप लोगों की मेमोरी इतनी ज़्यादा वीक क्यों हो रही है और छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखने को क्यों मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बताऊँगी ताकि आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो सके और आपकी जो ब्रेन में न्यूरन सेल्स वगैरह होते हैं उसको एक्टिव करने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही बेस्ट होती हैं। क्योंकि आजकल लोग जो हैं बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं और जल्दी जल्दी थक जाते हैं, दिमाग के साथ बॉडी भी साथ नहीं देती है, किसी भी बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, नींद भी नहीं आती है, सुस्ती रहती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, कोई खुशी महसूस नहीं होती, हर वक्त उदास रहना अच्छा लगता है। आजकल नींद भी बहुत देर से आती है, किसी काम करने के लिए घंटों सोचना पड़ता है। आजकल के बच्चों को भी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, घंटों किताबें लेकर बैठे होते हैं फिर भी याद नहीं कर पाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, टेंशन स्ट्रेस में हर वक्त रहते हैं, लड़ाई झगड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन हर वक्त करते हैं। ऐसा क्यों होता है आज मैं इस वीडियो में यही सब बताऊंगी और आप लोग के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने ब्रेन मेमोरी को इम्प्रूव कर सकें, फोकस को बढ़ा सकें और कंसंट्रेशन वगैरह इम्प्रूव हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आजकल जो हम लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, जैसा कि हर कोई जानता है, इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह खाना ज़रूरी होता है इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पाते हैं और जो रूटीन हमें अच्छी लगती है उसी हिसाब से हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं। जब तक हम अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट पर फोकस नहीं करेंगे, सही सोना सही टाइम पर उठना नहीं देखेंगे और दूसरी जो भी चीज़ें हैं उससे नहीं बचेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह, जब तक हम ओवरऑल हेल्दी नहीं हो सकते। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ब्रेन से ही हमारी पूरी बॉडी फंक्शंस कर रही होती है, इसलिए हमें अपने ब्रेन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपको आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं हो सकते हैं, लेकिन ये आपको खुद करना पड़ेगा। न्यूरॉन्स पे वर्क करेंगी, न्यूरॉन्स को एक्टिव करेंगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और हेल्दी महसूस करेंगे, स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, हर चीज़ पर फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, काम करने में दिल लगेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना बेइंतहा ज़रूरी है, चाहे एक्सरसाइज मेंटल एक्सरसाइज हो चाहे फिज़िकल एक्सरसाइज हो, ये दोनों एक्सरसाइजें आपकी सेहत के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, मेडिटेशन योगा और जो भी एक्सरसाइज है अगर आप नहीं टाइम निकाल पाएंगे, जब तक आप अपनी बॉडी को भी एक्टिव नहीं कर पाएंगे और ब्रेन को भी एक्टिव नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट्स के लिए अपने लिए टाइम निकालें और अपनी ब्रेन के साथ साथ अपनी बॉडी को भी ट्रेन करें। फिर दूसरा ये है कि अगर आपके बच्चे स्टडीज़ में वीक हैं और किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो ब्रेन एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, ताकि वो स्टार्टिंग से ही अपने ब्रेन को इम्प्रूव कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर इंडोर गेम्स होती हैं। पहले एक टाइम होता था जब हम लोगों के पास मोबाइल लैपटॉप्स ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो हम लोग आँख मचोली वगैरह खेला करते थे, तो इन सारी चीज़ों को आप आजकल नहीं होता है और आउटडोर गेम्स भी नहीं करते हैं, बच्चे हर वक्त टीवी और मोबाइल के सामने बैठे होते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करके आपको ये सारी वापस से चेंज करना पड़ेगा। ब्रेन एक्टिविटीज़ में एजुकेशनल गेम्स होते हैं, जैसे कि पज़ल्स होते हैं, जिक्सो होते हैं, क्रॉसवर्ड्स होते हैं, सॉल्विंग गेम्स होते हैं, चेस होते हैं और मैथ गेम्स होते हैं। ये सारी अगर चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज़ होता है और आप बहुत अच्छी तरह से अपने ब्रेन को मेंटेन कर पाते हैं और एक्टिव कर पाते हैं। ये सारे चीज़ें करने से आपके बच्चों की भी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी और आप बच्चों के दिमाग भी मजबूत बनेंगे। दूसरी चीज़ है डाइट। अगर हम डाइट पर फोकस नहीं करेंगे, जिस तरह की आजकल बच्चों की लाइफ स्टाइल बन गई है जंक फूड और फास्ट फूड पे, इस तरह से जब तक आपकी बॉडी के साथ साथ में ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, तो इन सारी चीज़ों को फोकस करें और नेचुरल डाइट के ऊपर आएं। फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, नट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें लें। दूसरी चीज़ है लोग आजकल के जो बड़े लोग हैं वो ड्रग्स है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। पान छालियाँ, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं आपकी ब्रेन को, मेमोरी को लॉस करती हैं, जिससे डेमेंशिया, इस तरह की अल्जाइमर्स डिजीज़ वगैरह होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ को ठीक करें और इन सारी चीज़ों से बचें। और तीसरी बात ये कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहते हैं तो इससे आपकी बॉडी के साथ साथ आपका दिमाग भी मजबूत होता है और दिमाग की भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, वो भी आप करते रहें। और सबसे आखिर में मैं बात करूँगी स्लीप यानी नींद की। अगर आप सही टाइम पे नहीं सोएंगे, सही टाइम पे नहीं उठेंगे, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि सही टाइम पे सोना, जैसे एक टाइम में पहले के टाइम में ही होता था कि जल्दी सो जाते थे और लोग जल्दी उठते थे, फजर के टाइम उठते थे और अपने सारे काम करते थे, तो इससे क्या होता था, वो हेल्दी रहते थे। आजकल लेट नाइट सोते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दिमागी कमज़ोरी पैदा हो रही है और आई साइट्स भी ख़राब हो रही हैं और बहुत सारी वीकनेस हो रही है, बहुत सारी बीमारी हो रही है। तो इस चीज़ को भी आप फोकस करें, जल्दी सोने की आदत डालें और प्रॉपर नींद लें, 8 से 10 घंटे की नींद लें। अगर आप अपनी नींद पर फोकस नहीं करेंगे तो आप यकीन जाने कभी भी आप हेल्दी नहीं रह सकेंगे। क्योंकि जब भी आप नींद लेते हैं तो आपकी रात में आपकी बॉडी की हीलिंग हो रही होती है और जब हीलिंग होती है तो आपके सारे फंक्शंस दुरुस्त काम करते हैं। ब्रेन फूड्स में जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेचुरल डाइट लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, नट्स वगैरह लें, बेरीज वगैरह लें, डार्क चॉकलेट है, ये सारा आपकी ब्रेन को बूस्ट करता है, मेमोरी को बूस्ट करता है और आपके फोकस को बढ़ाता है और कंसंट्रेशन वगैरह को बढ़ाता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दें तो इंशाल्लाह आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपके बच्चों को घंटों घंटों बैठना नहीं पड़ेगा, किताबें लेकर पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, स्मार्ट सोचेंगे, स्मार्ट काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। इन सारी चीज़ों को आप समझें और बच्चों में भी यही सारी चीज़ों की आदत डालें ताकि हमारे बच्चे स्टार्टिंग से ही अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकें और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम्स हो गए हैं, वीकनेस वगैरह आ गई है, याद करने में मुश्किल होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसन हैं। डाइट के साथ साथ आप होम्योपैथी मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं और होम्योपैथी की मेडिसन आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं। अगर आप होम्योपैथी मेडिसन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन जाने आपके बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो एग्ज़ाम्स में उनका खौफ ख़त्म हो जाएगा। और एग्ज़ाम्स का और पढ़ाई का खौफ ही नहीं बल्कि जो नॉर्मल कोई भी खौफ होता है वो भी दूर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो सबसे पहली जो मेडिसन आती है बच्चों के लिए वो आती है ब्राइटा कार्बोनिका। ये मेडिसन आप सुबह एक दफ़ा ले सकते हैं या हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, खाली पेट लेना चाहिए इस मेडिसन को। फिर दूसरी मेडिसन आती है कालीफोस। कालीफोस मेडिसन जर्मन की भी आती है फार्मूला और आप
नॉर्मली आप 6x पोटेंसी में भी ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन आती है काली प्रोमेटियम, तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो काली प्रोमेटियम बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, आपकी याददाश्त को तेज़ करेगी, जो आप चीज़ें भूल जाते हैं उस बीमारी को ख़त्म करेगी। फिर आती है ब्राह्मी मेडिसिन, इस मेडिसिन के आप 10 कतरे सुबह शाम लेते हैं, तो इससे भी आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। फिर इसके बाद आती है एश्वगंधा मेडिसिन, ये भी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आती है डॉक्टर ऋत्विक की 54 नंबर, इस मेडिसिन के 10 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में ले सकते हैं, खाली पेट लेना है, और ये ख़ास तौर पर मेमोरी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, और बड़ी उम्र के लोगों में जो मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, अल्लाह हाफिज़।